हेलो एवरी वन एंड वेरी वेलकम टू शिक्षा सो गाइज अकाउंटेंसी एम सी क्यूज का फिफ्थ क्लास है ये एंड जो भी क्लासेज आप देख रहे हो जो भी प्ले लिस्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो इस चैनल के ऊपर प्लीज़ उसको उसके फुल फ्लेस्ड फॉर्म में फॉलो कीजिएगा एक आधा लेक्चर देख करके अगर हटोगे तो कोई फायदा होगा नहीं उसका वो फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात है उसको ही देखना ठीक है पूरा देखोगे अगर आपको हाँ ये होता है कई बार कि सर हमने लेक्चर तो आपका देखा पर यार आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो अलग चीज है लेकिन अगर समझ में आ रहा है और सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है या टाइम नहीं निकाल पा रहे हो वो एक गलत चीज़ है अगर समझ नहीं आ रहा फिर तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए किसी भी टीचर का अगर आपको उसके साथ आपका ट्यूनिंग नहीं हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ओके कोड यू पी एस सी ई पी एफ ओके एंड दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स अलॉट एक एज प्रोवाइड करेंगे आपको एंड यूट्यूब के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन uh, में है, जो आपके पीडीएफ फाइल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड कर सकते हैं आप वहां से और सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट एंड पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है विच अमंग स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का कंसेप्ट फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन की स्टेज के ऊपर यूज किया जाता है ऑप्शन ए इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बी इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट सी इज मैचिंग कंसेप्ट एंड डी इज ऑल ऑफ दब पिछले दो लेक्चर से हम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं आज वाले लेक्चर में भी हम कंसेप्ट के ऊपर ही करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस आए है हुए हैं आपके ओके सो so, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों द आंसर विल बी ऑप्शन डी ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है जो तीनों है दैट इज योर गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग पीरियड मैचिंग ये तीनों आपके जो है इसके अंदर आते हैं प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट्स में आते हैं ओके मैं ऑल राइट सो जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट है ना हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में एक वो कंसेप्ट जो आप जब ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो मेजर करते हो और फाइनली रिकॉर्ड करते हो तो आइडेंटिफिकेशन मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट कॉस्ट कंसेप्ट एंड ड्यूएल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये सारे के सारे कंसेप्ट हम खत्म कर चुके हैं कवर कर चुके हैं हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसके अंदर ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं ओके उसके बाद सेकंड आते हैं आपके वो कंसेप्ट जो आप जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो ना आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया बैलेंस शीट हो गया तो जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो उस टाइम पर ये मेनली यूज किए जाते हैं इसमें आपके आ जाएंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फुल डिस्कलोजर कंसेप्ट और मटीरियलिटी कंसेप्ट तो ये आपके वो कंसेप्ट हैं जो कहां पर आ जाएंगे जब आप फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो ओके चलिए ये याद रखने हैं बेटा जिस जिस एरिया के अंदर जो जो कंसेप्ट वो याद रखने हैं क्वेश्चन क्योंकि इस तरीके से पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद विच बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट एक एंटिटी के लाइफ टाइम में अकाउंटिंग में जब हम फाइनेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो किस बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट को यूज किया जाता है ऑप्शन ए कंजर्वेशन बी मैचिंग सी अकाउंटिंग पीरियड डी नन ऑफ दी अबव ठीक है अब देखो मैं एक बार आपको दोबारा से पीछे लेकर के जा रहा हूं यहां पर पीछे मैं आपको क्यों लेकर के आया हूं क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस के अंदर ये तीन ऑप्शंस गिवन है यानी कि मैं यहां पर ये शो करना चाहता हूं कि यहां पर आपका एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई बार आप क्या कोशिश करोगे कि यहां पर क्या लिखा है बैलेंस financial statements. Financial statements शीट या प्रॉफिट एंड लॉस को हम बोलते हैं एंड डेफिनेटली वो क्या हो गया एक तरह का फाइनल अकाउंट्स हो गए तो कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेगा कि इनमें से अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन सा है जो आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के टाइम पर यूज करते हो उसको एलिमिनेट कर देंगे

तो अकाउंटिंग पीरियड इसका जो है वो करेक्ट आंसर है क्यों करेक्ट आंसर है पहले हम अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन को समझ लेते हैं उसके बाद हम दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है जी देखो अब एक एंटिटी है वो तो लंबे समय तक चल रही है ठीक है एक एंटिटी का लाइफ तो बहुत लंबी होती है दस साल बीस साल पचास साल सौ साल तो क्या आप अकाउंट्स उसके सौ साल के लिए प्रिपेयर करोगे या आप वेट करोगे कि जब तक ये एंटिटी बंद नहीं हो जाती तब तक हम इसके फाइनल अकाउंट ही नहीं प्रिपेयर करेंगे जब ये बंद हो रही होगी ना तब हम इसकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या प्रॉफिट अर्न किया या क्या उसका नुकसान हुआ ठीक है और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या नुकसान हुआ क्या कंपनी के एसेट हैं क्या कंपनी की लाइबिलिटीज हैं ठीक है थीके? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है डिफरेंट यूजर्स ने इसको यूज करना है इसको पॉलिसी मेकर्स ने भी यूज करना है कि भाई अगर नुकसान हुआ है किस वजह से हुआ है क्या इंप्रूवमेंट लेकर के आनी है ठीक है कंपनी के फ्यूचर को प्लान करने के लिए शेयर होल्डर्स हैं वो भी देखेंगे इन्वेस्ट करने से पहले कि हाँ भाई कंपनी प्रॉफिट में है या नुकसान में है कितने उसके एसेट है कितनी लाइबिलिटी है सरकार को भी देखना है ठीक है तो उसके लिए तो आपको ये आ, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रॉफिट है लॉस है एसेट कितना है लाइबिलिटी कितना है ठीक है अब इसके लिए रेगुलर टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन ये चाहिए ओके अकाउंटिंग so, पीरियड क्या होता है वो टाइम जिसके अंदर रेगुलरली आप ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि यार हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है कि भाई एक अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का हमारा अगर फाइनेंशियल ईयर होता है ठीक है एक अप्रैल से लेकर के 31 मार्च अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो इस पीरियड के अंदर जब इकतीस मार्च एंड हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लूंगा मैं यह देख लूंगा कि यार पिछले एक साल में मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ क्या मेरी एसेट है क्या मेरी लाइबिलिटी है तो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा तो यह मेरा क्या हो गया अकाउंटिंग पीरियड हो गया ठीक है ताकि मैं टाइम टू टाइम डिसीजन ले सकूं

करनी है जो आपका बेसिकली एक एनुअल टर्म का अकाउंटिंग पीरियड है लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर जैसे अगर पार्टनरशिप फॉर्म है और कोई पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है तो जब वो रिटायर होगा तो आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि क्या कंपनी का प्रॉफिट है क्या लॉस है क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटीज है क्योंकि आप पार्टनरशिप फॉर्म को डिजोल्व कर रहे हो तो जो रिटायरिंग पार्टनर है आपको उसका शेयर पे करना पड़ेगा ठीक है तो हो सकता है आ, साल से पहले ही आपको दोबारा से प्रिपेयर करना पड़े या फिर जैसे जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती हैं, उनके ऊपर एक रिक्वायरमेंट है कि उनको क्वार्टरली रिजल्ट अपने पब्लिश करने का तो जनरली अकाउंटिंग पीरियड एक साल का होता है जो और इनकम टैक्स एक्ट के अंडर है बट दिस कैन ऑल्सो भी डिफरेंट तीन महीने का भी हो सकता है या अगर पार्टनरशिप फॉर्म है छह महीने का हो सकता है या जब पार्टनरशिप डिजॉल्व हो रही है तो उस टाइम पर ओके सो so,

जो आपके एनसीईआरटी की अकाउंट्स की बुक है ना डायरेक्टली वो बीच में आता है ना टेस्ट ऑर नॉलेज उसके अंदर ये एमसीक्यू था एंड डेफिनेटली उस टाइप के एमसीक्यू वो पेपर के अंदर भी डायरेक्टली एड कर देता है तो यहां पर अकाउंटिंग पीरियड होगा आपका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यू इज कॉल्ड डैश कंसेप्ट एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यू ठीक है बेसिकली रेवेन्यू को उसके एक्सपेंसेस के साथ ही कंसीडर किया जाएगा ऑप्शन ए अकाउंटिंग कांसेप्ट बी मैचिंग सी फुल डिस्क्लोजर डी नन ऑफ दी अबव सो व्हाट विल बी द राइट आंसर इन दिस केस तो यहां पर आप कांसेप्ट को अगर जोड़ने की कोशिश करो तो वो क्या है कि आपको एक्सपेंस और रिवेन्यू को मैच करना है एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच करना है तो कौन सा कांसेप्ट हो गया मैचिंग कांसेप्ट हो गया

ठीक है जब कैश रिसीव किया तब वो रेवेन्यू नहीं उसको आप रिकॉग्नाइज करोगे फॉर एग्जांपल आपने एडवांस ले लिया किसी प्रोडक्ट के लिए या अपनी सर्विसेज के लिए तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज जनरेशन ऑफ रेवेन्यू और अ सेल सेल तब होगी जब आपने गुड बेच दिया पैसा चाहे आया या नहीं आया ओके सिमिलरली एक्सपेंस को हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं एक्सपेंस तब नहीं होता जब हमने हमने कैश पे कर दिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने एडवांस दे दिया किसी को किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए या किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा एक्सपेंस आपका कब होगा जब आप अल्टीमेटली उस एसेट को किसी रेवेन्यू जनरेशन पर्पज के लिए यूज कर लोगे फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी को रेंट को इंश्योरेंस को आप उसके बेसिस पे कब एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हो जब आप उससे रिलेटेड रेवेन्यू जनरेट कर लोगे ऑलराइट नाउ फॉर एग्जांपल आप एक एसेट लेते हो आप इन्हें एक मशीन ली मशीन <coughs> के अंदर हम क्या करते हैं मशीन वेयर एंड टियर होता है मशीन का डेप्रिसिएशन होती है अब फॉर एग्जांपल आपने 50000 की मशीन ली तो आपको पता है कि यार इस मशीन की लाइफ 5 साल की है ठीक है तो आप ये 50000 की मशीन पहले साल में ही खर्चे में क्यों क्यों नहीं दिखा देते हैं? हर साल इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा वैल्यू कम करके इसको एसेट में क्यों लिखते हो क्योंकि आप सिर्फ उतनी वैल्यू इसकी रिड्यूस करोगे जितना आपने इसको यूज किया है फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन ठीक है अब आप पचास के पचास हजार अगर दिखा दोगे लाइफ इसकी पांच साल की है लेकिन आपने पचास हजार पहले साल में ही एक्सपेंस दिखा दिया तो वो मैचिंग कंसेप्ट के अगेंस्ट है क्योंकि जो इसकी लाइफ है वो पांच साल में डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि इसका एक्सपेंस जो है जो पचास हजार रुपए एक से एक्सपेंस है उसको मैं एक साल में नहीं उसको मैं पांच साल में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा क्योंकि मैं उसको पांच साल तक के लिए यूज कर रहा हूं अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए ठीक है आर यू गेटिंग माई पॉइंट दिस इज कॉल्ड एज योर मैचिंग कंसेप्ट और राइट टिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर वी शुड नॉट टेक द कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड अब जब देखो हम प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं आपने एक साल में गुड्स मैन्युफैक्चर किए अगेन मैचिंग कंसेप्ट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने गुड्स मैन्युफेक्चर किए अब जरूरी तो नहीं है कि वो सारे के सारे गुड्स उसी साल में बिक गए आपका कुछ ना कुछ इन्वेंट्री भी बचेगा तो अल्टीमेटली जब आप अपनी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हो फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस तो किए ठीक है 100 यूनिट्स पे आपके हजार रुपए लग गए दस रुपए का एक यूनिट आपके नाइनटी यूनिट बिक गए ठीक है यानी कि आपके नौ सौ रुपए के यूनिट बिक गए अब अल्टीमेटली जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करोगे तो आप हजार रुपए का खर्चा कंसीडर करोगे या नौ सौ रुपए का खर्चा कंसीडर करोगे आप नौ सौ रुपए का खर्चा कंसीडर करोगे क्योंकि दस तो आपके पास बचे हुए हैं ना अगर आप हजार रुपए का खर्चा एज्यूम कर लोगे कि मैंने तो हजार रुपए के प्रोडक्ट्स बनाए थे पर बिके नौ सौ के तो वो तो आपका डेफिनेटली फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा ठीक है तो मैचिंग कंसेप्ट ये भी कहता है कि जब आप गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ उन गुड्स को कंसीडर करोगे जो आपके बिक चुके हैं बाकी के गुड्स को आप नहीं कंसीडर करोगे उसका आपके प्रॉफिट लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच अकाउंटिंग कंसेप्ट मेक्स द एजम्पन दैट अ बिजनेस वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फोरसिएबल फ्यूचर कि भैया आने वाले समय में ऐसा नहीं है अब आज आपका कोई धंधा चल रहा है तो आप ये नहीं है कि बोलोगे कि छह महीने बाद मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा आप ठीक है ये नहीं करोगे कि छह महीने में ये तो धंधा बंद हो जाएगा ऑप्शन है ऑप्शन ए गोइंग कंसर्न ऑप्शन बी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ऑप्शन सी लिक्विडिटी कंसेप्ट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दी अब अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कंसेप्ट अगर ये क्लियर है ना तो आपके अकाउंटिंग में जितने क्वेश्चन आते हैं दस बारह जितने क्वेश्चन आते हैं दो तीन चार क्वेश्चन तो आपके पक्का सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दो तीन चार क्वेश्चन तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में से उसने पूछने ही पूछने हैं क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है ना वो मल्टीपल हो सकता है एक ही कंसेप्ट के अंदर से आप मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो ओके सो आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इसको समझते हैं सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि भाई होलिस्टिक रहना कि ये नहीं सोचना कि बिजनेस तो कल बंद हो जाएगा ये सोच करके चलना कि बिजनेस तो इनडेफिनेटली चलेगा लंबे समय तक के लिए चलेगा और आने वाले समय में इसका दिवालिया नहीं होने वाला है ओके okay? <coughs> अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप वैल्यू ऑफ एसेट्स शो करते हो बैलेंस शीट के अंदर नाउ फॉर एग्जाम्पल अब एसेट क्या होता है एसेट एक तरह से बंडल ऑफ सर्विसेज इसके अंदर आ जाती है कोई भी हम एसेट प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है अब कंप्यूटर जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर की लाइफ पांच साल है तो आप उसको एसेट क्यों लिख रहे हो आप उसको एक्सपेंस क्यों नहीं लिख रहे आप उसको खर्चा दिखा दो अगर आप उसको एक्सपेंस लिखोगे तो एक तरीके से ये बात होगी कि यार मेरा बिजनेस तो अगले साल बंद हो जाएगा तो सारे मेरे ये खर्चे ही हो गए लेकिन कंप्यूटर की लाइफ पांच साल है तो आप दो चीज होगी ना कि यार मेरा तो छह महीने बाद बिजनेस बंद होगा तो पांच साल चले दस साल चले मेरे को क्या मतलब पड़ता है तो बाद खत्म है ये कंप्यूटर दूसरा आप गोइंग कंसर्न लेकर के चल रहे हो कि मेरा बिजनेस तो लंबे समय तक चलेगा तो ये कंप्यूटर मेरा मेरा इस साल अगर मैंने खरीदा है तो ये एक्सपेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसको मैंने आने वाले समय में भी यूज करना है तो ये मेरा एसेट हो गया क्योंकि मेरे को पांच साल तक सर्विसेस प्रोवाइड करेगा तो वही दोबारा से एसेट वाला केस यहां पर आ गया जो भी हम मैचिंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर देख रहे थे तो इसी वजह से मैं को हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट करूंगा और बाकी की में इसकी एसेट में मैं उतनी ही वैल्यूर जो आपका मैचिंग कंसेप्ट वाला पार्ट है ठीक है तो ये सारे कंसेप्ट जो है ना एक दूसरे के साथ इसीलिए बहुत ज्यादा कनेक्टेड है नॉ द एजम्स रिगार्डिंग ऑफ द बिजनेस अलाउज अस टू चार्ज रेवेन्यूज ऑफ पीरियड ओनली Okay? थ्योरी पढ़ता नहीं हूं इसका रीजन ये है ताकि जब भी आप लेक्चर देख लो उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी थ्योरी को एक बार खुद से पढ़ो तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी और थ्योरी पढ़ने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है फिर वो आप मुझसे पूछो ठीक है सो so, चार क्वेश्चंस दोस्तों हमने इस लेक्चर के अंदर करने थे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ नाइनटी नाइन रुपीज आपको पे करने है ये सिर्फ और सिर्फ एक सीरियसनेस एनकरेज करने के लिए कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जितना ज्यादा सर्कल हमारा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम कंटेंट एनरिचमेंट सब्जेक्ट एनरिचमेंट एग्जाम एनरिचमेंट ओके एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट को इंक्रीज कर पाएंगे ओके सो ऑल द बेस्ट गाइड टेक केयर एंड बाय